एकेडमिक लाइन के इस पार्ट में बात करेंगे टेंथ इस पार्ट में बात करेंगे स्टोरी 10th क्लास की ब्लैक एरोप्लेन्स द ब्लैक एरोप्लेन्स। ये फेडरिक फोरसिथ की लिखी हुई है। इनका जन्म 25 अगस्त 1938 को इंग्लैंड में हुआ था। ये पेशे प्रोफेशन से भी इन्होंने 2 साल की जो ब्रिटिश एयरफोर्स है उसमें एज ए पायलट के रूप में सेवाएं की हैं अपनी 1956 और 58 के अंदर। प्रोफेशन से ही राइटर्स हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और 1938 में जन्म हुआ था और अभी भी जिंदा है, राइटिंग का काम अब भी कर रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि ऐसे राइटर्स की बुक लेसन्स हमारे पास है कि जो अभी वो इस राइटिंग के काम में हमारे को अच्छी बढ़िया बढ़िया बुक्स लिख के दे रहे हैं। फेडरिक फोरसिथ का लिखा हुआ है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके अंदर बताया गया कि एक ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के साथ में क्या हुआ था और कैसे एक्सीडेंट से वो बचाया, दुर्घटना से कैसे बचाया, किसने बचाया, वो एक इमेजन किया इन्होंने। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व से चंद्रमा निकल रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और आसमान में तारे चमक रहे थे अबोव मी मेरे पीछे बिल्कुल मेरे ऊपर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व से चंद्रमा निकल रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे, इसका मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। एंड स्टार वर शाइनिंग्स, और तारे चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, सफर साफ आसमान में, अबोव मी मेरे ऊपर, देर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई भी बादल नहीं था। जब इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी तो उसमें मौसम बिल्कुल साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, में देहात होता है, मैं बड़ा खुश था कि मैं अपने जहाज को ऊपर से उड़ा रहा था और दुनिया जो है देहाती देहाती इलाकों के अंदर दुनिया सो रही थी। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा, ये उसके जहाज का नाम है डाकोटा, कि पुराने डाकोटा जहाज को उड़ा रहा, एरोप्लेन्स को उड़ा रहा था, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, में फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। मतलब इसकी जो फ्लाइट है डाकोटा जहाज की, वो फ्रांस से उड़ान भरी और इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ओ माई हॉलीडे, कि मैं छुट्टियों के सपने देख रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, लुकिंग फॉरवर्ड होता उत्सुकता से देखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ कैसे छुट्टियां बिताऊंगा, ये बड़ी उत्सुकता से मैं वेट कर रहा था। आई लुक डेट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पे देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह है कि 1:30 हुए हैं जब उसने अपनी वॉच पे देखा। आई शुड कॉल पैरिश कंट्रोल सून आई थॉट, मैंने सोचा, पायलट कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे पैरिश कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए क्योंकि अब तक पैरिश की रेंज में है ये। एज आई लुक डाउन द पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने जहाज के अगले हिस्से के पास से देखा, नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी, मैंने देखा बड़े शहर का प्रकाश, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने किसी शहर की बत्तियां जल रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने अपनी रेडियो मीन्स वायरलेस चालू कर दिया, शहर का, पैरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088, यार इसके जहाज का नंबर है डेकोटा DS 088, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, पैरिस कंट्रोल से संपर्क किया उसने अपने वायरलेस से, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, रस्ते में हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर, रेडियो से तुरंत आवाज आई, मी इमीडिएटली, तुरंत मेरे पास आवाज आई, DS 088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूँ, यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, कि तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए, इसको डायरेक्शन दी गई है नीचे से। आई कैन हियर यू, जो जिसे इसने संपर्क किया था पैरिश कंट्रोल से, वहाँ पे आवाज़ आई, आई कैन हियर, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ, यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम 12 डिग्री पश्चिम की तरफ टर्न कर लो अपने जहाज को, DS 088 ओवर। उसने कहा DS 088 ओवर, कहा डायरेक्शन दी इसको 12 डिग्री वेस्ट में टर्न करें। आई चेक द मैप, अपनी चेक द मैप, मैंने नक्शा देखा अपना, एंड द कंपास होता है डायरेक्शंस बताने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कंपास कहा जाता है, जो डायरेक्शन को बताता है, दिशा बताता है, मैंने अपनी दिशा सूचक यंत्र देखा। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अंतिम, दूसरा और अंतिम, दो टैंक होते हैं उसके अंदर तेल के, दूसरा टैंक चालू कर दिया, वो अंतिम टैंक था उसका, एक खत्म हो गया, दूसरा चालू कर दिया है, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और अपने डेकोटा जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया, टुवार्ड्स इंग्लैंड की तरफ में चल दिया। आई सेल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के समय पे पहुंच जाऊंगा, आई थॉट, मैंने सोचा नाश्ते के समय पे आराम से पहुंच जाऊंगा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर कोई ठीक ठाक, सारी चीज़ें बढ़िया जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी आसान उड़ान थी मेरी, बड़ा मजा आ रहा था उड़ान करते हुए। पैरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पैरिस जो है इससे 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था।
व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब ये पायलट कहता है कि जब मैंने बड़े बड़े बादल देखे आसमान के अंदर, पेरिस जो उस समय 150 किलोमीटर पीछे था, स्टोर्म क्लाउड तूफानी बादल मेरे सामने थे, देवर ह्यूज बहुत बड़े थे, दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, उनको ब्लैक माउंटेन्स की तरह कहा है, काले पर्वतों की तरह नजर आ रहे थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए, अक्रॉस द स्काई, आसमान के अंदर काले बादल, बड़े बड़े काले पर्वतों की तरह मुझे नजर आ रहे थे जो मेरे सामने थे। आई नो, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर डैम, कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, मैं इतनी बात जानता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और ना ही मेरे पास इतना ईंधन बचा था, तेल इतना नहीं बचा था, टू फ्लाई अराउंड डैम, कि मैं उनके ऊपर से घूम के आऊं, टू नॉर्थ या साउथ से, उत्तर या दक्षिण से घूम के आऊं, इतना मेरे पास ईंधन नहीं बचा था, और उनके ऊपर से मैं उड़ नहीं सकता था। I ought to go back to Paris. I thought, मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस चलना चाहिए अब। But I wanted to get home, परंतु मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast, मैं वो नाश्ता, बढ़िया वाला नाश्ता, जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। I shall take the risk. I thought, मैंने सोचा चलो जोखिम उठा लेते हैं। And flew that old Dakota straight into the storm, और अपने उस पुराने Dakota जहाज को सीधा straight सीधा storm तूफान में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर जाकर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर कोई चीज जो है काली हो गई, एकदम जो है अंधेरा छा गया। कुछ गलतियां करेगा या कुछ झूठ बोलेगा इस पायलट इसके अंदर। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, पुराना जो जहाज था इसका Dakota DS-088 जम्प्ड, उछला, ट्विस्टेड, मुड़ना तोड़ना होता, ट्विस्ट करना, इन द एयर, हवा में ही उछला और मुड़ा तोड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर वो कंपास डायरेक्शन बताने वाला इंस्ट्रूमेंट है, दिशा सूचक यंत्र जिसको हम कहते हैं, मैंने कंपास के ऊपर देखा, दिशा सूचक यंत्र पे, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, उसकी जो सुई थी वो खराब हो चुकी थी, वो डेड हो चुका था कंपास, दिशा सूचक यंत्र की सुई जो घूम रही थी अपने आप ही 360 डिग्री पे, अब इट वॉज डेड, वो खत्म हो चुका था, वो डायरेक्शन नहीं बताएगा, इट वॉज नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरे चीजें थी उसके पास, इंस्ट्रूमेंट होता यंत्र, जो भी इसको बताने वाले, बात करने वाले, जो भी, वर सडनली डेड टू, वो भी सारे के सारे अचानक ही खत्म हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे वायरलेस पे संपर्क करने की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो पेरिस कंट्रोल, देर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया, द रेडियो वॉज डेड टू, वायरलेस भी उसकी रेडियो भी खत्म हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, ना तो मेरे पास वायरलेस थी, रेडियो थी, नो कंपास, ना ही दिशा सूचक यंत्र था, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ये भी नहीं देख सकता था, वेयर आई वाज, मैं था कहां पे, ये भी नहीं पता था मेरे को। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, में तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तब काले बादलों के अंदर, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा जहाज देखा। It had no lights on its wings, होता है पंख, उसके पंखों के ऊपर कोई लाइट नहीं थी, but I could see it flying next to me, परंतु मैं देख सकता था मेरे से आगे वो उड़ रहा था, through the storm, तूफान के अंदर से बिल्कुल मेरे आगे उड़ रहा था वो। I could see the pilot face, मैंने पायलट का चेहरा देखा, turned toward me, उसने मेरी तरफ अपना चेहरा मुड़ा। I was glad, मैं बड़ा खुश था, to see another person, दूसरे आदमी को देख के तूफान के अंदर मैं बड़ा खुश हुआ। He lifted one hand, उसने एक हाथ उठाया मेरी तरफ and waved, हिला दिया। Follow me, he was saying, मुझे कह रहा था, follow me, मेरे पीछे आ जाओ, follow me, मेरे पीछे आ जाओ। He knows, वह जानता है, that I am lost, कि मैं खो गया हूँ। I thought, मैंने सोचा कि शायद ये जानता है कि मैं तूफान में खो गया हूँ। He is trying to help me, शायद मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपना जहाज धीरे धीरे उत्तर की तरफ मोड़ लिया। In front of my Dakota, मेरे Dakota जहाज के सामने उसने अपना जहाज जो उत्तर डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न कर लिया। So that it would be easier for me, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, to follow him, उसका अनुकरण करना, उसका पीछा, ताकि मैं आसानी से कर सकूं। I was very happy, मैं बड़ा खुश था, to go behind the strange aeroplane, उस विचित्र अजनबी, स्ट्रेंज में अजनबी जहाज के पीछे जाकर एरोप्लेन के, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद में, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वही अजनबी विचित्र काला जहाज, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था, अभी आधा घंटा से मेरे सामने उड़ रहा था, इन द क्लाउड, बादलों के अंदर। नाउ अब देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल्स इन
ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि मेरे जहाज में केवल देर वॉज ओनली एन ऑफ फ्यूल, इतना ईंधन बचा था, मीन्स तेल केवल इतना ही बचा हुआ था इन द ओल्ड डेकोटा, पुराने डेकोटा जहाज में, इन द लास्ट टैंक टू फ्लाई, अंतिम टैंक था, दूसरा टैंक से स्टार्ट किया हुआ था, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, मैं 5 या 10 मिनट और इसका जहाज उड़ सकता है, बाकी फिर तेल खत्म, इसका ईंधन जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये ध्यान रखना है कि 5 और 10 मिनट्स और इसे फ्लाइट उड़ान भर सकता है ये। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन, मैं डरना शुरू हो गया, फ्राइटन होता है डरना, अगेन दोबारा फिर मुझे डर लगना शुरू हो गया, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, परंतु तभी आगे वाला जहाज जो है नीचे उतरना शुरू हो गया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उसमें तूफान के अंदर उसके पीछे पीछे चल दिया। सडनली अचानक ही आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, में अचानक ही बादलों से बाहर आ गया, एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, मैंने सीधी दो लंबी दूर तक जो है लाइटें लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने वो रनवे था जहाज उतारने का, जहाँ लाइट लगी होती है वो इसने देखी, इट वॉज ए रनवे, और जहाज उतारने की पट्टी थी उसको रनवे कहते हैं, जहाँ पे एरोप्लेन को लैंड किया जाता है, एंड एयरपोर्ट में किसी मतलब उस पर एयरपोर्ट पे आ चुका था मैं, जहाँ पे जहाजों का अड्डा जिसको हम कहते हैं, आई वॉज से मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर, होता है ढूंढना, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो काले जहाज में मेरा दोस्त था उसको ढूंढने के लिए मैं मुड़ा, द स्काई वॉज एम्प्टी, होता है खाली, आसमान बिल्कुल खाली था, देर वॉज नथिंग देर, वहाँ पर कुछ नहीं था, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला जहाज खत्म हो चुका था, जा चुका था कहीं पर, आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया, मैं नहीं देख सकता था उसको कहीं पर। आई लैंडेड, मैं उतरा वहाँ पे, एंड वॉज नॉट सॉरी, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा से निकल कर जाने का, नियर द कंट्रोल टावर के पास में आई वेंट, जहाँ पे कंट्रोल टावर था वहाँ उतर के, इसको कोई अफसोस नहीं, लैंड किया और वो सीधा गया। आई वेंट, मैं अंदर गया, एंड आस्कड़े वुमेन, एक औरत बैठी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द कंट्रोल, इन द कंट्रोल सेंटर के अंदर एक औरत बैठी हुई थी, मैं सीधा उसके पास गया, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैंने उस औरत से पूछा मैं कौन से एयरपोर्ट पे आया हूँ, कहाँ पे उतरा हूँ, और दूसरा पायलट कौन था वो। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसका कम से कम धन्यवाद करना चाहता हूँ। सी लुकड एट मी बड़ी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से मेरे ऊपर देखने लगी, एंड देन लाफ, तब हंस के कहा, अनदर एरोप्लेन, क्या दूसरा जहाज, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान के अंदर दूसरा जहाज, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई जहाज यहाँ नहीं उड़ रहे हैं, यू आर वॉज द ओनली वन, तुम्हारा ये एकमात्र जहाज था, आई कुड सी ऑन द रेडार पे, जो मुझे दिखाई दिया दे सका था वो तुम्हारा ही जहाज था बस। सो हु हेल्प मी, तो किसने मेरी सहायता की, टू अराइव देयर सेफली, वहाँ सुरक्षित पहुँचने के अंदर, विदाउट कंपास, ना तो मेरे पास दिशा सूचक यंत्र था और रेडियो, ना ही वायरलेस थी, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और ना ही मेरे जो एरोप्लेन था डेकोटा उसके अंदर तेल बचा था, इन माई टैंक्स, मेरे टैंक के अंदर ना ही तेल बचा था। हु वॉज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था पायलट उस विचित्र काले जहाज का, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के उड़ रहा था उसके अंदर। अभी क्वेश्चन सर करेंगे इसमें कुछ, उसने कहा अंधेरा था और फिर इसने पायलट का फेस कैसे देखा, वो कई चीजें हैं इसके अंदर, उसने इसको कैसे देखा, तो कुछ ये कल्पना की है राइटर्स ने, बहुत बढ़िया स्टोरी है, बड़ी इमेजिनेटिव कहानी है इसके, और बड़ी आसान सी भी है सारी की सारी। क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है, रिस्क मींस उसने जो सीधा अपना जहाज जो ना स्टॉर्मी तूफानी बादलों के अंदर घुसा दिया था, वही एक रिस्क है, क्योंकि वो घर जाना चाहता था ब्रेकफास्ट करना। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, क्यों रिस्क उठाया था उसने, क्योंकि वो घर जाना चाहता था, अपना ब्रेकफास्ट करना चाहता था अच्छी तरीके से, इसलिए उसने जोखिम उठाया। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लाई एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म, कि तूफान के अंदर जैसे ही उसने अपने जहाज को घुसाया तो उसके अनुभव बताने हैं, क्या हुआ था उसका जहाज, एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर्स, उसको कुछ नहीं दिखा, उसके इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे, कंपास खत्म हो गया था, उसका रेडियो समाप्त हो गया, सब कुछ डेड हो चुके थे, ये उसके अनुभव हैं, उसके एक्सपीरियंस सारे के सारे। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दैट डेकोटा, एंड वाज नॉट सॉरी तो अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो डेकोटा जहाज बहुत पुराना था, लिखा ओल्ड डेकोटा, वो कहीं भी कुछ हो सकता था, परंतु किसी भी तरीके से उसकी लाइफ सेफ हुई, उसने कोई अफसोस नहीं हुआ उसके अंदर से कि मैं इतने पुराने जहाज को उड़ा रहा हूँ। उसने लैंड किया वहाँ पे, और वहाँ पे लैंड करने के बाद में वो सीधा औरत के पास गया और ढूंढने के लिए उस आदमी को जिसने इसकी हेल्प की थी, जो भी ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली,
किसी वजह से औरत ने उस जो कंट्रोल टावर में बैठी हुई थी उस जहाज जो पायलट थे हमारे ब्लैक एरोप्लेन के उसके ऊपर बड़ी अजीब तरीके से देखा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि दूसरा जो पायलट ने कहा कि दूसरा एरोप्लेन का पायलट है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, कहाँ है वो पायलट से, उसने कहा कि मैंने भी तुम्हारे ही रेडार पे, सिर्फ तुम्हारा ही जहाज था और इनसे भी उसका संपर्क नहीं हुआ था, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए से उसने औरत ने बड़े अजीब तरीके से बात की इसके ऊपर, मतलब इसको विचित्र तरीके से देखा था। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, किसने सहाया था कि इसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे इंडियन लोग सुपर स्टेटियस हैं, थोड़े से अंधविश्वासी हैं, तो यहाँ पे यही बात जाती है कि शायद भगवान ने ही उसकी सहायता की होगी, क्योंकि वो ब्लैक एरोप्लेन्स वहाँ पे नहीं था, उसको कहीं नहीं मिला, उसको ढूंढना चाहा उसने परंतु दिखाई नहीं दिया, तो शायद यही मानेंगे कि शायद गॉड ने ही हेल्प किया उसकी। डिस्कस यू अपने अंदर ही आपस में डिस्कस करें, तीन ही चार क्वेश्चन है इसके बस। नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बोल सकते हैं इसके अंदर, कमेंट कर सकते हैं कम से कम। ओके, टेंथ क्लास से और 10+2 क्लास से कोई भी प्रॉब्लम्स इंग्लिश रिलेटेड है, ग्रामर से है, टेक्स्ट बुक से है, उसके बारे में अपने कमेंट दे सकते हैं, उसको समाधान जो है उसका जल्दी से कर लिया जाएगा, और लेसनों को जितना जल्दी हो रहा है कि डाले जा रहे हैं जल्दी से जल्दी इनको डाल दिया जाएगा।